नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। बिहार भाजपा और उत्तर प्रदेश भाजपा में बड़े उठापटक की संभावना दिख रही है और आज बिहार में एक मीटिंग भी हो रहा है। क्या कुछ हो रहा है बिहार पॉलिटिक्स में, इसका क्या इफेक्ट है, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी। आइए जानते हैं उन्हीं से कि बिहार भाजपा में क्या कुछ चल रहा है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। बिहार भाजपा में तो लगभग 3-4 महीने से उठापटक चल रही है। अमूमन सबसे ज्यादा उठापटक लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद से दिख रही है और सम्राट के कुर्सी पर तलवार लटकी हुई है। अभी क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ परिणाम आएंगे बिहार भाजपा का जो ये मीटिंग हो रहा है? देखिए पुरुषोत्तम, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में बिहार में ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी बहुत ही कसमकस की स्थिति चल रही है, है ना? कारण उसका यह है कि नेताओं को मोदी मैजिक पर भरोसा था, कार्यकर्ताओं को मोदी मैजिक पर भरोसा था। नतीजा क्या है, जैसे मान लीजिए जब भी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, सपोज कीजिए मोतिहारी से सांसद हमारे राधा मोहन जी थे, तो राधा मोहन जी चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव में पैसे का लेन देन बहुत होता है, है ना? उत्तर प्रदेश जैसी जगह में जहां कार्यकर्ताओं को लगता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने तो राम मंदिर बना दिया, है ना, तो हमको यहां से कौन हराएगा, मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं, मेहनत करने की जरूरत इन लोगों ने नहीं समझी। और मोदी की जो जुमलेबाजी थी, उस जुमलेबाजी से लोग नाराज हुए। देखिए इसमें कोई दोष किसी नेता का नहीं है, कोई दोष किसी कार्यकर्ता का नहीं है, पूरा का पूरा दोष अगर किसी एक व्यक्ति का है तो वो सेंट्रल लीडरशिप का है। सेंट्रल लीडरशिप जो है उसको लगता था कि मोदी मैजिक जो है वो मोदी मैजिक के भरोसे हम हर जगह अपनी नैया पार लगा देंगे। शिवराज सिंह के बूते मध्य प्रदेश जीते, वहां मुख्यमंत्री किसको बनाया, मोहन यादव को। वसुंधरा राजे के बूते जीते राजस्थान, वहां मुख्यमंत्री किसको बनाया, नहीं भजन लाल शर्मा को, विष्णु लाल शर्मा। ये भारतीय जनता पार्टी का मन जो है वो मन बहुत ज्यादा नहीं, भोजपुरी में कहा बड़ा मन बड़ल बा, ठीक है? तो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था उसका मन बहुत बढ़ गया था। लोगों को लगता था कि भाई मोदी मोदी अगर किसी कुत्ते के हाथ पर सिर पे हाथ रख दे तो सांसद बन जाएगा, लोकसभा पहुंच जाएगा। वो मिथक टूटा टूटा और ये बहुत जरूरी था टूटना। आप ये समझिए, स्मृति ईरानी जैसे कद्दावर नेता को राहुल गांधी के एक एम्प्लॉय ने चुनाव हरा दिया। अयोध्या जैसे सीट, अयोध्या जहां राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिस राम मंदिर के बदौलत भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उस अयोध्या में जिस वर्ष राम मंदिर की स्थापना हुई, है ना, उसी वर्ष के लोकसभा चुनाव में लोगों ने वोट नहीं दिया बीजेपी को। मंथन की जरूरत है और उसी मंथन में भाजपा लगा हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कार्यकर्ता संघ इसकी भूमिका बहुत मजबूत है, है ना? और आपको एक चीज मैं बता दूं, राहुल गांधी संविधान लेके घूम रहा था, और राहुल गांधी संविधान लेके घूम रहा था वो बिल्कुल सही कर रहा था। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आ जाती तो संविधान के तो चिथड़े उड़ जाते, कोई उसको बचाने वाला भी नहीं था। तो आप ये समझिए कि मंथन का जो दौर है वो मंथन का दौर अभी भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है और वही उसी की एक कड़ी बिहार है। बिहार में बिहार बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी के ऊपर भरोसा किया, टूट गया। विजय सिन्हा पर भरोसा किया, टूट गया, क्योंकि इस बार भूमिहारों का भी जो वोट है वो वोट जिस रफ्तार में पड़ता था उस रफ्तार में नहीं पड़ा, उसमें से भी कुछ वोट वोट उसके बस की भी नाराजगी हो गई। तो हर जगह की जो नाराजगी है उस नाराजगी को कंपनसेट करने में बीजेपी लगा हुआ है, इसलिए कि ग्राफ अगर नीचे आएगा तो सारा सत्ता का समीकरण और सारा सत्ता का खेल इनका ध्वस्त हो जाएगा। अब आप एक समझिए, उत्तर प्रदेश में योगी के कद को कमजोर करने की बात हम लोगों ने इसके पहले एक बार न्यूज का बनाया था। कद करने के पीछे स्थिति क्या थी, क्योंकि मोदी के बाद खास करके जो हिंदी बहुल क्षेत्र हैं, उस हिंदी बहुल क्षेत्र में योगी उभरता हुआ चेहरा, योगी एक बहुत मजबूत और उभरता हुआ चेहरा है। ये बात गुजरात लॉबी को पच नहीं रही है। तो गुजरात लॉबी क्या चाहता है, गुजरात लॉबी यह चाहता है कि साहब योगी के कद को कमजोर कर दो, है ना, और उसके बाद ताकि हमारा जो दूसरा प्रधानमंत्री का जो हमारा उम्मीदवार गुजरात से, वो गुजरात से ही होगा,
है ना, तो उसको वो उसके रास्ते में जो रोड़ा आ रहा है उस रोड़े को हम खत्म कर दें और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन आपको एक चीज बता दें, भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों को ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई और तुरंत नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना पड़ा और योगी की जो कुर्सी को डुलाने का प्रयास लोग कर रहे थे, हिलाने का प्रयास कर रहे थे, उस पे विराम कल मोदी ने लगा दिया। अच्छा। कि भाई कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा, वहां योगी ही रहेंगे। तो आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी टूटने से बच गई। अच्छा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के चितड़े उड़ जाते उत्तर प्रदेश में, कोई देखने वाला नहीं होता और कोई नेता उसके बाद वहां जाके कोई भाषण भी नहीं दे सकता था, इतना आक्रोश लोगों में होता। बिहार में आप देख लीजिए, बिहार का जो एक्सपेरिमेंट था, दो नेताओं पे दाव लगाया गया, दोनों दाव फेल हो गए। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इन दोनों की कुर्सी जानी तय है। अच्छा। इंस्टॉलमेंट में जाएगा, पहले सम्राट जी की, सम्राट का जाएगा। अच्छा। उसके बाद विजय बाबू का जाएगा। आज बैठक चल रही है, आज कार्य समिति की बैठक चल रही है, जेपी नड्डा के आने की संभावना है या संभवतः हो सकता है आ चुके होंगे। और राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह की तबीयत खराब है इसलिए राजनाथ सिंह नहीं आ पाए। राजनाथ सिंह के आने की घोषणा हो चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी यहाँ करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कुछ बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। अब बिहार भाजपा की बात अगर आए तो एक व्यक्ति का नाम लेना लाजमी हो जाता है, जिसका नाम राकेश तिवारी है, जो भारतीय जनता पार्टी का कोषाध्यक्ष है, जो बेईमान दी ग्रेट है, छोटा मोटा बेईमान नहीं है, बेईमान दी ग्रेट है ना। उसने आज तक जितने लोगों के साथ, आप चैंबर ऑफ कॉमर्स में देख लीजिए, चैंबर ऑफ कॉमर्स में आज की तारीख में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिससे आप बात करें तो राकेश तिवारी के नाम पर भड़केगा नहीं, है ना। इसने बहुतों को लूटा और क्रिकेट एसोसिएशन जिसका ये अध्यक्ष है उस एसोसिएशन को तो इसने पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। तो आज बिहार भाजपा की जो बैठक है उसमें आज ये समझ लीजिए कि राकेश तिवारी की कुर्सी भी जा सकती है। अच्छा। हालांकि कोषाध्यक्ष का पद जल्दी नहीं बदलता है और मैं आपको बताऊं कि पिछले लोकसभा चुनाव में कम से कम 50 लाख वोटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ राकेश तिवारी की वजह से हुआ, क्योंकि क्रिकेट के जो प्लेयर्स थे और उनका जो परिवार था उस परिवार ने इसको वोट बीजेपी को नहीं दिया। इस एक आदमी के चलते पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान हुआ है। तो ये चीजें देखनी होगी और आपको बता दें कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये स्टेप नहीं उठाया है ना, तो 2025 के चुनाव में तो बीजेपी का बुरिया बिस्तर पैक हो जाएगा कोई अतिशयोक्ति बिहार में। अच्छा, सम्राट चौधरी की कुर्सी जाने की बात हो रही है, राकेश तिवारी की भी कुर्सी जाने की बात हो रही है, आज कुछ आदेश आएंगे क्या निकल करके? देखिए, आज शाम तक पिक्चर क्लियर हो जाएगा। मंथन का दौर चल रहा है, वहां कई लोग हैं, पूरे बिहार से जो जितने कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो सारे लोग आए हुए हैं। वहाँ इनर कैबिनेट, आउटर कैबिनेट दोनों तरह की बैठकें चल रही हैं और बैठकों के बाद एक निर्णय, एक सहमति बनेगी। घोषणा यहाँ नहीं होगी, घोषणा दिल्ली जाके होगी, सेंट्रल में जाके होगी, क्योंकि यहाँ जो बातें होंगी उसको वो फिर सेंट्रल लीडरशिप जो है सेंट्रल लीडरशिप के पास परोसा जाएगा और उसके बाद तय किया जाएगा। लेकिन एक बड़े उलटफेर की संभावना, हाँ, एक बड़े उलटफेर की संभावना और उसकी जो भनक है वो भनक आनी शुरू हो गई है। आखिरी सवाल सर आपसे पूछेंगे, नीतीश सरकार के साथ जो समन्वय स्थापित नहीं हो रहा है, अभी जो उठा पटक चले उसको लेकर के भी चर्चा होगी क्या? देखिए, निश्चित तौर पे उसको लेकर भी चर्चा होगी, लेकिन एक बात आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में इस हैसियत में नहीं है कि बिना नीतीश कुमार के वो आगे बढ़ सके, है ना। तो नीतीश कुमार को साथ रखना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, और अगर नीतीश कुमार साथ नहीं होते और नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ होते तो 5 सीट नहीं आया होता बिहार में बीजेपी को। अच्छा। 5 सीट नहीं आते बिहार में बीजेपी को। नीतीश, हाँ, एक मायने रख, बहुत मजबूत फैक्टर है। आप ये समझिए, 17 सीटों पर वो चुनाव लड़े, 12 उनको आया, 16 पे ये लड़े, 12 इनको भी आया, है ना। और इनके जो कैंडिडेट हैं वो बीजेपी की तुलना में ज्यादा मतों से जीते हैं, है ना। तो ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी, मैंने देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सेंट्रल लीडरशिप है ना, सेंट्रल लीडरशिप को ये समझना चाहिए कि एक नाम से काम नहीं चलता है, है ना। तो जो मोदी मैजिक पर भरोसा था वो मैजिक अब समाप्त हो चुका है, अब लोगों को काम चाहिए, अब लोगों को रोजगार चाहिए। बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई, और विपक्ष बेरोजगारी और महंगाई दोनों को मुद्दा बनाने में सफल रहा, है ना, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा, जो आप मेजोरिटी से भी बाहर रहे।
अंतिम सवाल, एक और सवाल मैं पूछूंगा, समय की कमी है। ये बताइए कि बिहार कैबिनेट में भी बड़ी बदलाव की संभावना है, जैसे आपने पिछले दिनों बताया था कि जदयू का भी एक उप मुख्यमंत्री हो सकता है। देखिए, संभावनाएं जताई जा रही हैं और अभी नीतीश कुमार का कद भारतीय जनता, जदयू की तरफ से डिमांड है, जदयू की तरफ से डिमांड है इसका, है ना, कि एक उप मुख्यमंत्री आप अपना बनाइए, एक उप मुख्यमंत्री मेरा होगा या उप मुख्यमंत्री एक ही होगा, है ना। तो इस तरह की तैयारी अभी चल रही है। नीतीश जी अभी चूंकि बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि इन्हीं की बैसाखी पे सरकार चल रही है, तो हो कुछ भी सकता है। ऐसे आज का जो रिसफल होगा भारतीय जनता पार्टी का, तो बहुत जल्द हमको लगता है कि एक मंत्रिमंडल में भी रिसफल होगा। उस पर भी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, आगे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपने देखा कि एक उप मुख्यमंत्री जदयू का हो या फिर एक ही उप मुख्यमंत्री बिहार में हो, यही अभी तक निष्कर्ष निकल करके सामने आया है। भाजपा में जो बैठक चल रही है, उस बैठक का क्या नतीजा आता है, उस पर हमारी पैनी नजर है, और हम आपको उस बैठक के बाद जो भी निर्णय होंगे उस पर भी एक शानदार विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।